का सुप्रसिद्ध रिजॉर्ट बड़ागढ़ रिजॉर्ट एंड स्पा इंडियन होटल कंपनी ताज के सिलेक्शन ब्रांड में शामिल हो गया। इंडियन होटल कंपनी ने गुरुवार को इस रिजॉर्ट को अपने अधीन ले लिया और अपना पूरा स्टाफ बिठा दिया। रिजॉर्ट एंड स्पा के मालिक नकुल खुल्लर ने खुशी जताते हुए कहा कि यह मनाली के लिए बेहद खुशी की बात है कि बड़ागढ़ रिजॉर्ट एंड स्पा ताज का ब्रांड बन गया है। आज एक सादे समारोह में इंडियन होटल कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तेजिंदर सिंह ने इसकी घोषणा की। इस अवसर पर होटल के मालिक नकुल खुल्लर, उनके पिता अनिल खुल्लर, माता सरिता खुल्लर, पुत्र गुणाल खुल्लर, मनीष कुमार वीपी होटल ओपनिंग, नीलाभ कुमार होटल मैनेजर आदित्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर इंडियन होटल कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तेजिंदर सिंह ने बताया। देखिए जी, सब चीज जो है और स्पेशली टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत डिपेंडेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक्सेसिबिलिटी, टूरिस्ट के लिए कितना आसान है किसी डेस्टिनेशन में पहुंचना, एयर कनेक्टिविटी है या नहीं, कितनी फ्रीक्वेंट है एयर कनेक्टिविटी और कितनी रिलायबल है। फिर आपका है रोड और रेल कनेक्शन, तो हिमाचल में रेल कनेक्शन तो मुश्किल है बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी और जियोग्राफिकल रीजंस, बट रोड्स अच्छी क्वालिटी की हैं और पहले से तो बहुत बेहतर हैं और बन भी रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। टूरिज्म को जिस जिस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिला है वहाँ वहाँ विटनेस किया गया है कि टूरिज्म को बहुत ही बूस्ट मिला है। तो काफ़ी सारे स्टेट हैं, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, कई राजस्थान, इन स्टेट्स में ऑलरेडी टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल चुका है। तो आई थिंक अगला स्टेप हिमाचल गवर्नमेंट के लिए बेहतर होगा कि हिमाचल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए, क्योंकि उससे बहुत बूस्ट। आप तो सिलेक्शंस जो इंडियन होटल्स कंपनी की ब्रांड है उसका जो एक मेन इथॉस है हाइपर लोकलिज्म, और हाइपर लोकलिज्म में हम ये चाहते हैं कि जिस भी लोकेशन में वो सिलेक्शंस प्रॉपर्टी हो नेम्ड कलेक्शन की, वहाँ का जो कल्चर है उसको मैग्निफाई किया जाए। तो अगर हमारी प्रॉपर्टी फर्ज कर लो आप जैसे वर्कला में है, केरला में, वहाँ पे हम वहाँ की कुजीन, वहाँ का गॉड्स और गॉडेसेस और वहाँ के कल्चर को हम बहुत ध्यान से रिस्पेक्टफुली प्रोपोगेट करते हैं, और उसी तरीके से हिमाचल का जो यहाँ का जो कुजीन है, अलग कुजीन है लेकिन अभी तक शायद इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं हुई है हिमाचल की कुजीन। तो कुजीन को सबसे पहले हम में पॉपुलराइज करेंगे। यहाँ का जो टेक्सटाइल है और यहाँ का जो स्टाइल है टेक्सटाइल का, उसको पॉपुलराइज करेंगे। यहाँ का जो आर्ट्स है, जैसे आपकी नाटी संगीत हो गया, ठीक है, और जैसे हमारे जो देवी देवताओं के जो फेस्टिवल होते हैं हिमाचल में और कुल्लू में, स्पेशली दशहरा के टाइम पे जो हमारा बहुत वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल है, उसको प्रोपोगेट करेंगे। तो उस कल्चर को हम सिलेक्शंस में लाके, हम चाहते में लाके, हम चाहते हैं कि हमारे सब गेस्ट उसको फील करें और उसको एक्सपीरियंस करें। तो यही इस तरीके से हम इसको मैग्निफाई करें। अब देखिए, वो मैंने कहा था कि वो पोटेंशियल है फ्यूचर में, अगर हम चाहें और हमारे पार्टनर्स चाहें या हमारी सरकार चाहे तो हम स्किल सेंटर खोलने की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने यूथ हैं जिनको लगता है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने आप को स्किल करने में, ताकि पूरा इंडिया ही नहीं वो कहीं पे भी वर्ल्ड में एम्प्लॉयबल हो जाए। वो क्वालिटी जो स्किल का जो स्किल सर्टिफिकेशन उनको इस लेवल की मिले कि उनको एम्प्लॉयमेंट कहीं पे भी मिल सके। तो उसका पोटेंशियल बहुत एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं इसी एरिया का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ के लड़के लड़कियाँ काफ़ी एम्बिशियस हैं और कईयों ने बहुत अच्छा भी किया है अपने करियर्स में। तो अगर फ्यूचर डेट में अगर हम स्किल सेंटर खोलेंगे तो उनको इंडियन होटल्स कंपनी में तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी मिलेगी, लेकिन टाटा ग्रुप में भी मिल सकती है और बाहर भी मिल सकती है। तो काफ़ी पोटेंशियल। हमारी चौथी प्रॉपर्टी है हम, और तीसरी ऑपरेशनल प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी धर्मशाला में अभी भी अंडर डेवलपमेंट है,
ये हमारी तीसरी ऑपरेशनल लेकिन चौथी साइंड अप प्रॉपर्टी है हिमाचल में, और हम चाहेंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है क्योंकि हिमाचल का पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है, तो देखते हैं आगे 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 कहाँ पहुँचते हैं। आपका फैसला के लिए कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।